क्या बात, आज बहुत अच्छा बना रखा है कैमरामैन। क्या है? नींबू पानी तो इन्हें सोचा मम्मी को हो गया है, गरम नींबू पानी बना के ला गया है, बहुत टेस्टी हो रहा है। नींबू पानी पियोगे? रेसिपी बनाओगे? रेसिपी भी बन रही है। तो क्या बन रहा है आज? आज बन रहे हैं चने के डुबके। चने के डुबके? हाँ, तो मैंने चने भिगाए थे। कहाँ भिगाए? तो आज हम बना रहे हैं चने के डुबके। धूप में रखे थे बहुत देर से मैंने। कौन से चने? ये हैं चने, जो पीले चने होते हैं। एक तो काला चना होता है वो नहीं, उसके बाद जो दल के निकलता है ये वाला चना। तो इसके बना रही हूँ आज मैं डुबके, ठीक है? दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं इनको पीस लेती हूँ, पीसने के बाद हम बनाते हैं डुबके। तो कैमरा मैन ने कहा नींबू पानी पी लो, सेहत जरा सही रहेगी। तो मैंने कहा गर्मी भी हो, तो गर्मी में हम नींबू रखे रहते हैं फ्रिज में, जब पीने का मन हुआ तब बना के पी लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी शरीर को फुर्ती मिलती है, राहत मिलती है। इसलिए हम जब ज़्यादा गर्मी होगी तो नींबू पानी पी लेते हैं। तो चलें फिर। चलें फिर, पहले पी लेते हैं जूस। ये देखो चेस करने के लिए ये नहीं, गजब का लड़का है। चलो पी लेती हूँ, ठीक है? ये दले हुए चने थे, इसको मैंने भिगा दिया था 2 घंटे, उसके बाद इसको पीस लिया है। इधर मैं काट रही हूँ लहसुन, लहसुन भी बड़ा बड़ा है। लहसुन का तड़का ना डुबके में बहुत अच्छा लगता है। आज कैमरामैन खाने वाला है चने के डुबके और भात। क्यों? इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और बच्चे भी आने वाले हैं, फटाफट बना लेती हूँ खाना, ठीक है? तो दिखाती हूँ मैं आपको आज मैं चने के डुबके किस तरीके से घर पर बनाती हूँ। तो इधर ले रखे मैंने हरी मिर्ची और लहसुन, ठीक है? इसको हम कूट लेंगे दरदरा सा, इसका छौंका बहुत अच्छा लगेगा। और इधर हम दाल में मिला देंगे नमक मिर्च मसाले सारे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, ठीक है? बिल्कुल सिंपल आसान से डुबके हैं हमारे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो डुबको को बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, तेल को करते हैं गरम। इधर मैंने लहसुन हरी मिर्च को कूट लिया है बढ़िया सा, इसका टेस्ट अच्छा आता है। हो गया तेल गरम? हाँ, तेल गरम हो गया है। तो हरी मिर्च लहसुन को जो मैंने कूट रखा है इसको डाल देंगे, इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है ना। प्याज नहीं डाला इसमें? ना ना, प्याज ही डालते हैं इसमें। प्याज से क्या होता है मीठा हो जाता है, इसमें लहसुन का और हरी मिर्च का तड़का बहुत अच्छा लगता है। इसको करेंगे ब्राउन, तो इसकी जो खुशबू है अलग ही नहीं आती है लहसुन, कूटे हुए लहसुन की, और जो हम लहसुन को काटते हैं उसकी अलग खुशबू आती है। दाल हमने पीस रखी है, इसमें मिलाएंगे पानी आधा गिलास, थोड़ा गीला गीला ही करेंगे इसको, एकदम सूखा नहीं डालते हैं इसमें। तो इधर हमारा लहसुन हो गया तैयार, ब्राउन हो गया है, इसमें डाल देते हैं हम दाल अपनी जो हमने पीस रखी है। खुशबू लाजवाब है। तो कैमरामैन को चने के डुबके बहुत पसंद है, साथ में चावल। तो ये कहाँ की डिश है? ये हमारी पहाड़ी डिश है, ये हमारे उत्तराखंड में घर घरों में बनाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार तो खाते ही होंगे इसको। ये हमारी मम्मी लोगों ने हमको सिखाया है, और जो भटके डुबके हैं वो मेरी सास ने सिखाया था मुझे, और चने के डुबके मेरी मम्मी ने। तो हमारे पहाड़ी लोग बहुत खाते हैं इसको, और हेल्थ भी बनती है इससे, बहुत टेस्टी होते हैं, पता है? तो चनों को हम इतना भुनेंगे कि ये ब्राउन हो जाएंगे, इनको भुनना ही बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने चने डाल दिए सीधे पानी डाल दिया, नहीं, हम इसको आधा घंटे के लिए भुनेंगे हल्की आंच में, जब इसका ये कलर जब चेंज हो जाएगा ना फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है? फिर डालेंगे हम पानी। तो कभी जिम वालों के लिए भी रेसिपी लाओ। जिम वालों के भी तो परफेक्ट रेसिपी है, चने के दाल के डुबके खाओ, चने की दाल खाओ, उबले हुए चनों को। अगर आप नमक में मिला के खाओगे, उसमें खीरा, बहुत सारे फल फ्रूट काट दोगे ना, तो जिम वालों के लिए भी ये रेसिपी है। तो लेके आना कोई रेसिपी। तो जल्दी से लेके आने वाली हूँ मैं, घरेलू सामान की ही रेसिपी लेके आऊंगी, ठीक है? तो दिखाऊंगी मैं आपको जिम के बच्चों के लिए। तो बन गए हमारे पहाड़ी डुबके, ये बन रहे हैं। कितना भून दिया मैंने, इनका कलर चेंज हो गया, पहले कैसा था अब कैसा हो गया ना। कितना टाइम और लगेगा? बस अब इसमें भून गए हैं, अब इसमें डालते हैं हम पानी। ये तो हलवा बन गया। तो हलवा ही बनेगा, और नीचे से जो एक खरोड़ी लगती है ना, ये हल्की आंच में ऐसे घुमा के लगती है खरोड़ी। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो ये थाली में जो मैंने पीस रखा था इसका थोड़ा पानी डाल देंगे, इसका भी वेस्ट भी करना होगा। और हल्के हाथ से हम इसको घुमाएंगे, ज्यादा तेज हाथ से नहीं घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसमें खरोड़ी भी लगती है और जो इकट्ठा हो गया ना ये घुल भी जाएगा, इसको हमने घोलना है अच्छी तरह से। तो मैंने कम पानी डाला था, इतनी जल्दी ये घुल गया है ना। अब डालेंगे हम इसमें पानी,
जितना हमको चावल के लिए पानी चाहिए ना उतना डालेंगे। हमने डाल दिया है इसमें आधा लोटा पानी, यानी कि डेढ़ गिलास पानी। अब इसको अच्छे से चलाते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम पकाएंगे इसको आधा घंटे के लिए। तो इसको ऐसे करके घोल लेते हैं, जो इसके डेले हो रहे ना वो सब फूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमने करछी से इसको चलाना होता है, और ज्यादा तेज आंच में करोगे ना तो नीचे से जल जाएंगे। हल्की आंच में ही पकते हैं डुबके। तो देखिए हमारे डुबके पक गए हैं, कितने शानदार बने हैं, और हल्की आंच में इतने बढ़िया करके पके हैं। और जो ये किनारे में खरोड़ी लगती है तो हम कैसे लगाते हैं उसको, हल्के हाथ से ऊपर को ले जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये जो खरोड़ी लगती है ना बड़ी टेस्टी होती है। तो ये कैमरामैन पता है बचपन में कढ़ाई में खाता था, अभी भी इसको कढ़ाई में दे दूंगी तो सब खा जाएगा ये। तो हमारे डुबके बन के हो गए हैं तैयार, गैस को बंद कर देते हैं और चावल भी हमारे बन गए हैं। अब मेरे जब बच्चे आएंगे उसके बाद आपको सब करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे डुबके बन के हो गए हैं तैयार। तो दोस्तों कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है डुबके देख के? अगर डुबके देख के पानी आ रहा तो जल्दी से चने भिगाओ और फटाफट चने के डुबके बनाओ, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए रख रही हूँ थाल में, स्टील की थाली में खाने का ही मजा कुछ और है। और बना रखी है हमने आम की चटनी, खट्टी सी चटनी। तो कैसे लगे हमारे चने के डुबके दोस्तों? अगर डुबके पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना प्लीज।